भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि हाल में भारत को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनेक भारतीयों का, हमारे जवानों का खून बहाने वाले पाकिस्तान में जाकर के सहारा लेने वाले मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। यह आतंकी घोषित हो चुका है। अब पाकिस्तान को या तो दिवालिया होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा या फिर अजहर जैसे आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान मजबूर हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। भाइयों और बहनों, पूरा देश इस उपलब्धि से, भारत की बढ़ती ताकत से गदगद है। शहीदों के परिवारों को सुकून मिला है, लेकिन सपा बसपा उनकी नींद हराम हो गई है, कंफ्यूज हो गए हैं। बहन जी ने ट्वीट किया कि उनकी सरकारों के दौरान हिंसक वारदातें कम होती थी। भाइयों बहनों, ये बहन जी सही बोल रही है क्या? ये सच बता रही है क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। उनकी रात की नींद आराम होनी चाहिए। ये बहन जी सही बोल रही है क्या? सही बोल रही है क्या? ये लोग कभी भी सही बोलते हैं क्या? मैं आपके सामने उनका कच्चा चिट्ठा रख देता हूं। रख दो, रख दो। भाइयों बहनों, 23 मई को 2007, 23 मई 2007, गोरखपुर के गोलघर में सीरियल बम धमाके हुए थे। तब किसकी सरकार थी? इसी के ठीक 6 महीने बाद अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट हुए। तब किसकी सरकार थी? 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। तब किसकी सरकार थी? 2010 में काशी में दशाश्वमेध घाट पर जब बम फटा था, तब किसकी सरकार थी? बहन जी, सत्ता के लिए आप निर्दोषों के खून के वो निशान भूल सकती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दिल पर घाव लगा है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कभी नहीं भूल सकती। भूल सकते हैं क्या? कोई भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भूल सकता है क्या? यहाँ की माताएं भूल सकती है क्या? यहाँ के नौजवान भूल सकते हैं क्या? भारत माता की संतानों के खून के हर कतरे का, हर कितरे का बराबर हिसाब लेने के लिए ही देश ने मुझे बिठाया है। आतंकी आतंकी जमीन पर हो या पाताल में,
ये मोदी है, आतंकी कहीं पर भी हो घुस करके मारा जाएगा। भाइयों और बहनों, सपा हो बसपा हो, ये वो लोग हैं जो गली के गुंडों से निपटने तक की नीति नहीं बना सकते। वो आतंकवाद और नक्सलवाद की बात तो छोड़ ही दीजिए।